आपको नमस्कार है मेरी तरफ से। और आज मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। पता है वो कौन सी चीज़? सबसे पहले तो ध्यान देना है कि आप इस वीडियो को पूरा ईमानदारी पूर्वक देखें, क्योंकि आप लोग अधूरा वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया देखो ही मत। अगर देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ समझ आना चाहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्वर पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। यानी कि आप जानते होंगे कि बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम गाना गाते तो हमारी आवाज़ कब कपाती है, मतलब हमारे स्वर हिलते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं समझ सकता हूँ, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, कई लोगों में मैंने देखा हुआ है और होता है, सभी में होता है, स्टार्टिंग समय में होता है। पर अब उसे हम कंट्रोल कैसे करें, यानी सही कैसे करें? बात आती है कि देखो, एक भाई बात बता दूं, सीधी सी बात बोलता हूं, साफ बात बोलता हूं, यहां पर अपने पास घुमाने वाला फंडा नहीं है। आपने देखा होगा अन्य चैनलों पर आपसे बोला जाता होगा, दुनिया का बताया जाता है कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। भैया मेरी गुजारिश आप सभी से इतना है कि अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ना भी पसंद आए तो अनलाइक करना। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा पूरा वीडियो को भी आप लाइक करें, आपसे हमारा ही कहना नहीं रहता। हमारा उद्देश्य है कि आपको समझ आना चाहिए, जब आपको समझ में आएगा आप जरूर लाइक करेंगे, लाइक भी करिए, अपना कमेंट दीजिए, कोई सवाल हो कमेंट में डालिए। कोशिश है कि वो वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं। अब बात आती है कि शेयर करने की, तो शेयर करने से यही फायदा होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब जैसे आपने देख लिया तो इसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, जो भी म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक, जहां पर हो सके। अगर वीडियो पसंद आया है या मेरे चैनल से आपको सीख पा रहे हैं तो इसे आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, अन्य लोग भी देख सकेंगे। इसमें कोई हमारा फायदा नहीं है, ये चीज समझ लीजिए। विश्वास और भरोसा रखना सीख लीजिए, सब कुछ आ जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बहुत आलस आता है, जब मैं रियाज करने बैठता हूं तो मुझे बोरिंग सी महसूस होती है कि मैं कैसे करूं रियाज, मन नहीं लगता। यही तो आपको नहीं करना है। जब आपका मन कहे कि रियाज नहीं करना, तब दिमाग खोलो और कह दो नहीं करना है, अब कुछ भी हो जाए करना है, अपने मन से भी जबरदस्ती कर डालो और बैठ जाओ, 10 मिनट तक रियाज करते रहो। सारे गा मा पा, जो भी आपको रियाज आपको प्रैक्टिस दिया गया, आप वो करिए, 10 मिनट के बाद अपने आप मन लगने लगेगा। लेकिन मन लगाया जाता है, अब ऐसा थोड़ा ना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरगम सीख लिया बस हमको संगीत आ गया, ऐसा नहीं आता। पहले उसको अच्छी तरीके से सीखो, और मेरा उन सभी से कहना है जो इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं, बहुत तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनसे तो फिलहाल में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उनके लिए काम कर रहा हूं जो लोग इस फील्ड में भटक जाते हैं। मैं एक चीज बता दूं, 100 की सीधी एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, जरा सा भी विश्वास हो तो। सबसे पहला काम कि धैर्य रखना सीखिए। मैं लगभग 8-9 साल से ऊपर हो गया है, मैं कैसे धैर्य रखा हूं, आप भी रखिए, आप भी तो इंसान है, हम भी इंसान है। धैर्य रखना सीखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा, सब कुछ आएगा। हमारे पास में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन किए, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ने तो पेमेंट भी किया और पेमेंट वापस भी नहीं लिए, 1-2 क्लास करके सरगम सीख लिए, भाग लिए। अब उनको लग पता नहीं कौन सा भूत आ गया उनके ऊपर। तो ये हरकतें प्लीज ना करिए, हमें ऐसा आपका पैसा नहीं चाहिए। भाइयों से कहना है कि मन से सीखिए, धैर्य रखें, सब कुछ आएगा। जो स्टेप आपको बताया जाता है आप उस स्टेप को सीखिए, मन से सीखिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज नहीं मैं बार बार यही बात कहूंगा, अगर आप हमें किसी एक चीज को कंप्लीट करके नहीं देंगे तब तक हम नेक्स्ट आपको चैप्टर नहीं बता सकते, क्योंकि आप गलत कर सकते हैं पर मैं गलत नहीं कर सकता, ताकि दूसरा कोई उंगली ना करे। तो दोस्तों कई केस ऐसे होते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, तो इनको थोड़ा सा धैर्य बना के अपना रखिए और सीखिए, आपको समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पर थोड़ा सा समय देना पड़ता है, समय दीजिए और समय के हिसाब से सीखते रहिए। ये नहीं है कि YouTube पे जो वीडियो देख लिया उसे फॉलो कर दिया, आपके अंदर क्या कमियां हैं इन कमियों पर सुधार करिए। आपके आसपास जो टीचर हैं, जो भी आपके आसपास क्षेत्र में, वहां जाकर कम से कम बेसिक तो सीख लीजिए मेरे भाई। आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं आप पूरी जिंदगी उसी में लगा दूं,
बेसिक नॉलेज ले लीजिए, स्वर अलंकार क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इनको सबको अच्छी तरीके से सीखिए और किसी गुरु के सामने रियाज करिए ताकि वो गलत सही बताए। और जब ये आप कर लेंगे उसके बाद देखना कितना मजा आएगा सीखने में, सच्ची कह रहा हूं। इतना करना चालू कर दीजिए। और जो लखनऊ से हैं जिनको कोई नहीं मिल रहा है सहारा, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर हम कई लोगों को समझाते सिखाते हैं। आपको वीडियो भी हम बहुत सारे डालेंगे स्टूडेंट्स के, मैं जो ऊपर वाले ने दिया है वो शेयर करता हूँ। तो आप अगर लखनऊ से आ सकते हैं और आकर फेस टू फेस सीख सकते हैं। जो लोग दूर हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा है, अगर भरोसा है विश्वास है तो सीखिए। अब बात आती है कि स्वर पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। बहुत सिंपल रियाज बता रहा हूं और इसे करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन याद रहे आपको सरगम पूरा अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर सरगम आपको अच्छी तरीके से नहीं आता है तो आप ये रियाज ना करिए। सबसे पहले याद रहना चाहिए कि आपको सरगम स्वर सा की साधना ये आपके अंदर कंप्लीट होना अनिवार्य है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि स्वर पर नियंत्रण कैसे करते हैं। सारे गामा पा धा नि सा सारे गामा पा धा नि सा रे सारे गामा पा धा नि सा गा सारे गामा पा धा नि सा मा सारे गामा पा धा नि सा मा सारे गामा पा धा नि सा धा सारे गामा पा धा नि सा मे सारे गामा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा सा नि धा पा मा गा रे सा मे सा नि धा पा मा गा रे सा सा नि धा पा मा गा रे सा मा सा नि धा पा मा गा रे सा मा सा नि धा पा मा गा रे सा रे सा नि धा पा मा गा रे सा जो हम एक स्वर पीछे भी लेके साथ में जो चल रहे हैं यही तो आपको समझना है। और वहां पर आपको इसलिए ये होता है कि आपको पता चलेगी इससे दूरी, जो स्वर की दूरी है वो आपको पता चल जाएगी कि कौन सा स्वर किस आवाज में है और कितनी दूरी है। जब ये आप समझ में ले जब ये आप समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा कि कौन से स्वर पर कितना हमें समय लेना है और कैसे कैसे हमें एक जगह स्टॉप लेना है। अब कोई बोलता है सा ये तरीका गलत है, स्टेप बिल्कुल ना करें। मेरा आप सभी से कहना है ये स्टेप बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं करना है सारे गामा पा धा नि सारे इस प्रकार अपने आप को परफेक्ट बनाइए। आपका जो स्वर है एक जगह पर रहना चाहिए, ना कि सा रे गा मा इस प्रकार कपकपाना नहीं चाहिए। जब आपकी स्वर एकदम बैठ जाएंगे और सही तरीके से रियाज करेंगे आपके अंदर ये सारे स्वर इतनी अच्छी तरीके से बैठेंगे कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा गा पाऊंगा। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, रटना नहीं जरूरी है कि बस देखा तो रट लिया, हमारा देख के कॉपी कर दिया। नकल से काम नहीं चलेगा, नकल करना बंद कर दीजिए, चाहे गाने की नकल हो और चाहे वो म्यूजिक की नकल हो, किसी भी प्रकार की नकल करें ना। अगर कुछ करना है लाइफ में तो, और नकल करना है तो भाई छापते रहो, क्या करना। छोटी सी बात ले लो, इंटर पास करते हो नकल टिप लेते हो, जब नौकरी के लिए जाते हो तो इंटरव्यू पास नहीं कर पाते, कितनी गलत बात। इसी प्रकार म्यूजिक,
ना गलत देख देख के तो टीम ले रहे हो, जब किसी फंक्शन में जाओगे वहां पर क्या करोगे फिर, उधर किधर नकल मिलेगी। तो इसलिए नकल ना करिए, भरोसा बनाए रखिए, थोड़ा समय लगेगा पर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए और सीखिए। जितना मेरे से हो रहा मैं उतना कर रहा हूं। अब कुछ लोग तो उल्टे सीधे गलत गलत कमेंट करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, करने दो, हमारा तो सीधा फंडा है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारा एग्जाम लेने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उससे भी हमें डर नहीं लगता। मैं तो सीधा कहता हूं, आओ सामने बैठो मेरे साथ, जो मैं बोल रहा हूं जो मैं कर रहा हूं वो करिए, बस सिंपल। लेकिन ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, बाकी आपके ऊपर है, भरोसा विश्वास रखेंगे तो सब कुछ सीखेंगे। सभी को नमस्कार, दिल में जरा सा भी अच्छा लग गया हो तो फॉरवर्ड कर दीजिए, लोगों की आप भी मदद करिए, हम भी कर रहे हैं। जय माता दी।